सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि जो डिप्लीशन रीजन है अक्षय परत की जो चौड़ाई है वो इंक्रीज होती है पीएन जंक्शन डायोड में किस कारण। सो ऑप्शन वन है फॉरवर्ड बायस की कंडीशन में या रिवर्स बायस की कंडीशन में या दोनों रिवर्स एवं फॉरवर्ड यानी अग्र एवं पश्च दोनों बायस की कंडीशन में या फिर इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट यानी इनमें से कौन सी कंडीशन में जो है अक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है। सो सबसे पहले हम समझते हैं भाई अक्षय परत बनती कैसे है, उसके बाद हम समझेंगे कि भाई जो है ऐसा आंसर का हम वेरीफाई करेंगे कि आंसर सही या नहीं। तो आंसर टू होगा यानी ड्यू टू रिवर्स बायसिंग द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस। सो यहाँ पर तीन डायग्राम बन रखे, हम अक्षय परत का निर्माण समझेंगे। सो फर्स्ट डायग्राम है पीएन जंक्शन दे रखा है, पी में तो सारे होल्स होंगे यानी पॉजिटिव होंगे और एन में सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उसके बाद डिफ्यूजन होगा यानी जो होल्स और जो इलेक्ट्रॉन का कंबाइंड वाला जो सरफेस एरिया है वहां से इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो एक लेयर बना लेंगे जो थर्ड डायग्राम में दे रखी है, ऊपर लिख रखा है डिप्लीशन लेयर। उसमें ये होगा कि जो होल्स हैं वो तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो होल्स की तरफ आएंगे, इस कारण वो एक तरह से डिस्चार्ज लेयर का निर्माण कर लेंगे जिसमें नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी डेप्लीशन लेयर या फिर अक्षय परत। अब हम समझते हैं भाई कि रिवर्स बायस में कैसे अक्षय परत बढ़ती है। तो देखो रिवर्स बायस बेसिकली होता है जब जो डायोड होता है डायोड का पी साइड बैटरी के माइनस से जुड़ा हो और जो डायोड का एन साइड बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हो। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं जो पी लिख रखा है, पी टाइप लिख रखा है, वो किस तरह से जुड़ा है, वो नेगेटिव से जुड़ा है और जो एन टाइप लिखा है वो पॉजिटिव से जुड़ा है। दैट मीन्स वो रिवर्स में यानी पी एन और एन पी के साथ जुड़ा है। तो इलेक्ट जो है विद्युत क्षेत्र हमें पता है विद्युत धारा पी से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी तो विद्युत क्षेत्र पी से एन की तरफ जाएगा। तो एक तो देखो बैटरी के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा या प्रोड्यूस होगा जो पी से एन की तरफ जाएगा, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। और एक जो उसके अंदर जो डायोड है उसके अंदर भी तो पी होल्स हैं और एन इलेक्ट्रॉन है तो ये आपस में मूवमेंट करेंगे तो उसके कारण भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, वो किस तरफ जाएगा, वो जाएगा राइट साइड में और जो बैटरी का कारण होगा वो लेफ्ट साइड में जाएगा क्योंकि बैटरी का करंट प्लस से माइनस, तो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो हम लेफ्ट साइड की तरफ मूव करना पड़ेगा। और जो डायोड है डायोड के अंदर जो एन है और पी है उनके कारण राइट साइड की तरफ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस कारण दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इस कारण जो अक्षय परत की चौड़ाई को बढ़ाएंगे। इस प्रकार हमारी जो रिवर्स बायस में अक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है।